वो जो बच्चा है ना आपके स्कूल का बच्चा, उसने 350 स्कूल को पीछे छोड़ दिया। इट्स नॉट ए जोक। एंड दीज आर नॉट जस्ट कॉमन यूजुअल स्कूल्स, वी हैव सम एलीट स्कूल्स इन टू इट एज वेल। वी हैव सम गुड वर्किंग स्कूल्स आउट देयर जिसका रोल 3,000, 5,000, 7,000 से ज़्यादा है। उन बच्चों के साथ इस बच्चे ने मतलब कम्पीट करके टॉप पोजिशन हासिल की करना है, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक सिर्फ एक ही प्राइस है स्कूल से, वी हैव सम कंसोलेशन प्राइस एज वेल एंड वी हैव गॉट 3 पोजिशन एज वेल। और व्हेन वी से कंसोलेशन प्राइस, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पीछे हो बाकी टॉपर से, नहीं। कंसोलेशन प्राइस में वो बच्चे आते हैं जो 1 पॉइंट से या 2 पॉइंट से या 3 पॉइंट से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 60 में से 58 पॉइंट लाए थे टॉपर में, तो 57 वाला कंसोलेशन में आ गया क्योंकि उसका 1 पॉइंट ड्रॉप हो गया था। तो कंसोलेशन में भी जो आते हैं वो भी मतलब उनका टैलेंट भी कम नहीं है, वो भी टॉपर्स में ही आते हैं। मतलब अपेरेंटली वो इसमें है कंसोलेशन में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वो भी क्या है, वो भी टॉपर्स है। और आज हम ये इसलिए यहाँ पे आए ताकि हम आपको एनकरेज कर सकें, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने ये कारकर्दगी करके दिखाई, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू हैव अ क्लास फ्रॉम यू टू द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स टू रिजन टॉप। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कंसोलेशन प्राइस फर्स्ट। टॉपर्स को बैठ में निकालते हैं इंशाल्लाह। We have actually Sania Tariq. Very, very best wishes for her. So we have next one, namely Farhan Shabir. One more excellent student from the school, Mami Tari. Topper one, the fact that I already told you she's got a, he's got a cash prize as well. So I would like to name him Faizan Ahmed Loon. Actually, the fact that he's not present today, he's got actually gone for some examination out there. So he is present. He is present. We called him. We called him. Oh, sorry. Actually, so. He's Faizan Ahmed Loon. He is the excellent student from your school. Wish you all the best of luck in your life. But it doesn't end here. So, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जीनियस ऑफ द ईयर जो ये एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करवाते हैं,